वडनगर कृषि उपज मंडी में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात में चोर फिर एक व्यापारी के गोदाम में चोरी कर 20 क्विंटल सोयाबीन चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात मंडी व्यापारी अरिहंत ट्रेडर्स के गोदाम से हुई। चोर मंडी के गोदाम के पीछे रेलवे ट्रैक से लगी दीवार को तोड़कर लगभग 20 क्विंटल सोयाबीन चुरा कर ले गए। मंडी में इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है, जो मंडी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। व्यापारियों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है और व्यापारियों द्वारा कहा गया कि 3 दिन में अगर इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन मंडी बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। 11-12 दिसंबर 2018 की रात्रि में मंडी गोदाम में उसके पीछे तरफ की दीवार फोड़ने को चना चोरी किया गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया गया है और घोषणा करके आरोपी उसी गिरफ्तारी की। सर कितने क्विंटल चोरी हुई लगभग? वो बताया कुछ ने अभी बताया है 15-20 क्विंटल बताया है और बाकी उसके अलावा वहाँ से निरंतर यहाँ पर चोरियाँ हो रही है और व्यापारियों के द्वारा बार बार मंडी प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इसके मामले में किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी सेक्रेटरी लेने को तैयार है, न कोई प्रशासन ने इस अपनी ओर से कोई बात कही है। कल का जो वाकया हुआ यहाँ पर दीवार तोड़कर जिस तरीके से 20 क्विंटल सोयाबीन चोरी लेके गए, ये मंडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और इसको लेकर व्यापारियों ने सचिव के नाम में पत्र लिखा, SDM और SDOP को भी सूचना की है। अगर 3 दिनों के अंदर इस चोरी का पता नहीं चलता है तो व्यापारियों ने निश्चित कालीन बंद करने के लिए सोमवार से आह्वान किया।